हे गाइस, आपका फिर एक बार स्वागत है आज की इस अमेजिंग गैजेट से भरे वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक से बढ़कर एक टॉयज और गैजेट्स जो आपके मूड को काफी आसानी से बदल सकते हैं। और हाँ, आप इनमें से कुछ गैजेट्स को नीचे दिए गए लिंक से परचेज भी कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए आखिर तक। साथ ही अगर आप फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को बिना भूले ऑल पर रख लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। तो फिर चलिए चलते हैं गैजेट्स की ओर। जिंको स्मार्ट लैंप। गाइस, स्मार्ट लैंप्स तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन क्या आपने एक ऐसा लैंप देखा है जो फोल्डेबल फीचर के साथ आता हो? आपका कहना होगा नहीं। तो मिलिए आज के इस पहले प्रोडक्ट से जिसका नाम है जिंको स्मार्ट एकॉर्डियन लैंप, जो काफी खूबसूरत डिजाइन और छोटे से साइज में आता है जो आपको रोशनी तो देता ही है, साथ ही इसमें आप डिफरेंट टाइप्स के शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इसके दोनों एंड पोर्शन को पकड़कर बाहर की तरफ खींचना होगा, जिसके बाद ये लैंप ट्रांसफॉर्म होकर लाइट में बदल जाता है। और हाँ, ये लैंप 360 डिग्री तक पूरी तरह से घूम भी सकता है, मतलब आप इसका यूज करके इस लैंप को अलग अलग शेप्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो देख लीजिए इस लैंप से किए हुए अलग अलग शेप्स को। और गाइज, इसके दोनों एंड पोर्शंस पर लगे होते हैं पावरफुल मैग्नेट्स, जिसे कि आप उस पर उसके साथ आने वाले मैग्नेटिक स्ट्रैप को अटैच कर सकते हैं। खैर, तो अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी पावर की। तो इसमें इनबिल्ट होती है 2200 mAh की लिथियम पॉलीमर की रिचार्जेबल बैटरी, जो मैक्सिमम 8 घंटे तक लाइफ दे सकती है, और इसे चार्ज होने के लिए सिर्फ 3 से 4 घंटे लगते हैं। थ्री डूडलर पेन। गाइज, अगर आप इमेजिनेशन किए हुए ऑब्जेक्ट्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो आपके लिए खास करके पेश है थ्री डूडलर प्रिंटिंग पेन, जो दुनिया की पहली 3D प्रिंटिंग पेन है, जिसका यूज करके आप अपने इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हैं, वो भी बिना कोई दिक्कत के। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्योंकि ये पेन इजी टू यूज होती है, तो आपको सिंपली उस पेन में उसके साथ आने वाले प्लास्टिक स्टिक्स को इंसर्ट करना होगा, साथ ही साथ पावर पिन को उसके बैक साइड वाले पोर्शन में प्लग इन करना होगा, जिसके बाद आप उसमें दिए हुए वेरिएबल स्पीड बटन को प्रेस करके अपने क्रिएटिविटी को एक नया रूप दे सकते हैं। और अगर आपको इस पेन की स्पीड को बढ़ाना है तो आपको सिंपली उस बड़े से स्पीड बटन को 2 बार प्रेस करना होगा, जिसके बाद स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। साथ ही अगर आपको हीटिंग टेम्परेचर को भी कंट्रोल करना है तो उसके लिए आपको अलग से बटन दिया गया है। फाइनली, अगर बात करें इस पेन की पावर कंजप्शन की, तो ये पेन काफी हद तक कम ही पावर कंज्यूम करती है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और बात करें इसके बॉक्स कंटेंट्स की, तो इसमें आपको 3D पेन, कलरफुल प्लास्टिक स्टिक्स और नोजल सेट मिलता है। खैर, तो गाइज, अब जरा देख लीजिए इस पेन से किए हुए टॉयज और ऑब्जेक्ट्स को। फ्लाई नोवा फ्लाइंग स्पिनर। दोस्तों, क्या आपने कभी हवा में उड़ते हुए स्पिनर को देखा है? आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल जो स्पिनर्स आते हैं उन्हें सिर्फ हाथ में पकड़कर ही घुमाना होता है। लेकिन अब पुराने कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले स्पिनर्स को अपग्रेड करके बनाया गया है फ्लाइंग स्पिनर, जिसका नाम रखा गया है फ्लाई नोवा फ्लाइंग स्पिनर, जिसे आप हवा में उड़ाकर खेल सकते हैं। बेसिकली ये स्पिनर कुछ हद तक दिखने में नॉर्मल स्पिनर की तरह ही नजर आता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे प्रोपेलर्स और मल्टी कलर LEDs लगे होते हैं, जो अंधेरे में आई कैचिंग लुक को क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं इसके यूजर गाइड की तरफ। तो इसे आपको सिंपली हाथ से घुमाकर हवा में फेंक देना होगा, जिसके बाद उसमें लगी हुई छोटी सी मोटर उन प्रोपेलर्स को घुमाते ही रहती है, जिसे कि आप इस स्पिनर से अपने दोस्तों के साथ काफी लॉन्ग टाइम तक मजे के साथ खेल पाएंगे। तो गाइज, आप इस स्पिनर को 2100 रुपीज में amazon.in से परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है। जूम शूज। गाइस, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो डिवाइसेस आते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते, जैसे कि हुआ बोर्ड, स्केट बोर्ड एक्सेट्रा। तो उसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टेबल जूम शूज को बनाया गया है, जो बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्केट्स होते हैं, जिसका डिजाइन और फीचर्स काफी एडवांस होते हैं। खैर, तो उस पर आपको राइड करने के लिए सिंपली अपने दोनों पैरों को उन स्केट्स पर रखकर सेल्फ बैलेंसिंग बनाए रखना होगा, जिसके बाद आपको अपने पैरों को हल्के से आगे की तरफ डाउन करना होगा, तब जाके ये स्केट्स आगे बढ़ने लग जाते हैं। और इसमें खास बात ये होती है कि इसे बच्चे और बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो जरूरत पड़ती ही है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पेक्स के बारे में। तो इसे आप अप टू 10 किलोमीटर तक, वो भी प्रति घंटे की रफ्तार से चला सकते हैं, और इसमें पावरफुल बैटरी लगी होती है जो आपको 1.5 घंटे की बैटरी लाइफ दे सकती है। फाइनली गाइज, मुझे तो ये स्केट्स काफी पसंद आ चुके हैं, आपको कैसे लगे कॉमेंट बॉक्स में बताइए। आयरन मैन वायरलेस चार्जर। दोस्तों, अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो ये प्रोडक्ट आपको बेहद पसंद आने वाला है, क्योंकि इसे खास करके आयरन मैन लवर्स के लिए ही बनाया गया है। हालांकि ये एक QI वायरलेस चार्जर होता है, जो लुक के मामले में नेक्स्ट लेवल का होता है, क्योंकि इसे आयरन मैन टेसरैक्ट का रूप दिया गया है, जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है।
खैर तो अब बढ़ते हैं इसके यूजर गाइड और स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो गाइज आपको बस इसे पावर इनपुट देना होगा, जिसके बाद जब भी आप इस पर अपने मोबाइल को रखेंगे तो वो इंस्टेंटली आपके मोबाइल को चार्जिंग करने लग जाता है। और हाँ, आप इसे होम, ऑफिस और कार एसी वेंट में भी माउंट कर सकते हो। और गाइज ये चार्जर सिर्फ दो स्मार्टफोन्स के ब्रांड्स को ही सपोर्ट करता है, जो कि है एप्पल और सैमसंग। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये आईफोन को 7.5 वाट तक इजीली चार्जिंग कर सकता है और सैमसंग को 10 वाट तक इजीली चार्जिंग कर सकता है। और इसमें ओवर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, टेम्परेचर प्रोटेक्शन और ओवर चार्ज प्रोटेक्शन मिलते हैं, जो कि सेफ्टी के मामले में काफी बेहतर है। तो आप में से कितने लोग आयरन मैन के फैन हैं, हमें बताइए वीडियो को लाइक करके। मैड गेज वॉच। वैसे तो मैंने आपको स्मार्ट वॉचेस काफी ब्रांड्स के दिखाए हैं, लेकिन उनमें से किसी भी ब्रांड्स के वॉच में इस तरह के फीचर्स नहीं है। मतलब इस मैड गेज वॉच में आपको जेस्चर कंट्रोलिंग का फीचर मिलता है, जो कि शायद अब तक की पहली इस तरह की वॉच होगी। खैर तो इस वॉच में आपको 33 सिंपल हैंड जेस्चर्स मिलते हैं, मतलब आपको इसमें हर एक फीचर को एक्सेस करने के लिए एक पर्टिकुलर जेस्चर मिलता है, जैसे कि आप वीडियो में देख लो। वैसे तो इसमें आपको हर एक स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स इसमें एडिशनली ऐड किए गए हैं कंपेयर टू नॉर्मल स्मार्ट वॉच। तो इसमें आपको यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल, मोशन ट्रैकिंग, शेयर लोकेशन और वॉकी टॉकी का फीचर मिलता है, जो कि काफी काम के हैं। सोलर क्रू। ट्रैवलिंग के दौरान मोबाइल को चार्ज करने के लिए बेसिकली हम अपने साथ कैरी करते हैं पावर बैंक्स को। वैसे तो पावर बैंक्स एक हद तक काफी अच्छा पावर सोर्स होते हैं, लेकिन अगर आप काफी दिनों तक बिना इलेक्ट्रिसिटी वाले जगह पर स्टे करते हैं तो वो आपको वहाँ पर पावर बैंक्स कुछ काम नहीं आएंगे। तो उस सिचुएशन में आपको फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सोलर पैनल। तो मिले आज के सातवें कमाल के सोलर क्रू से, जो फोल्डेबल सोलर पैनल के साथ आने वाला स्मार्टफोन चार्जर है, जिसे आपको अपने हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसे अपने बैकपैक में हैंग करके अपने मोबाइल को इजीली चार्जिंग कर सकते हैं। तो इसे यूज करना है काफी आसान। आपको सिंपली इस पैनल को धूप में रखना होगा, जिसके बाद सिंपली आपको इस पावर आउटपुट पोर्ट में यूएसबी पिन को प्लग इन करके आराम से बैठ जाना होगा, जिसके बाद आपका फोन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी से चार्ज होने लग जाता है। स्मार्ट रोप। गाइज अगर आप जंपिंग रोप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कभी ना कभी जंप किए हुए नंबर्स को काउंट करने में दिक्कत जरूर आई होगी, क्योंकि उन नंबर्स को काउंट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए कुछ कमाल के इन्वेंटर्स ने सिंपल सी रस्सी को अपग्रेड करके स्मार्ट रोप में कन्वर्ट कर दिया है, जो सच में काफी अमेजिंग इन्वेंशन है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके फीचर्स को। तो इस रस्सी में कुछ LEDs लगे होते हैं, जो कि दिखाई तो नहीं देते बट काम तो करते हैं। साथ ही उन्हें पावर मिलती है उसमें लगे हुए रिचार्जेबल बैटरी से, जो छुपी होती है इस रोप के हैंडल बार में। खैर तो आपको सिंपली इसे पॉकेट से बाहर निकाल कर सीधे काम पर लगा देना होगा, मतलब जंपिंग करने लग जाना होगा, जिसके बाद आपको जंप किए हुए काउंट्स हवा में नजर आते रहेंगे। वैसे तो ये कोई मैजिक नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ रोप में लगे हुए LEDs का कमाल है। और हाँ, इस रोप में काउंट हुए नंबर्स इसके ऑफिशियल एप्लीकेशन में भी सेव होते रहते हैं, जिससे कि आप बाद में अपने जंप किए हुए नंबर्स को इजीली देख पाएंगे। क्लॉक। गाइज अगर आपके घर में साइकिल पार्क करने के लिए जगह कम पड़ती है तो आप इस माउंट को अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक क्लॉक काफी छोटे साइज में आता है, जिसे सेटअप करने के लिए आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बस आपको इसे दीवार पर रखकर ड्रिल मशीन से दो होल्स करने होंगे, जिसके बाद आप उस क्लॉक को स्क्रू की मदद से दीवार पर अटैच कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने बाइसिकल के टायर को क्लॉक में फंसा कर अपने बाइसिकल को दीवार पर काफी छोटे जगह में पार्क कर सकते हैं। और इस क्लॉक को बनाया गया है हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल से, जो काफी मजबूती प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए, और वीडियो पसंद आ चुकी है तो उसे लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।